अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बहुत गुस्से में हूं, लेकिन गुस्से को मैंने कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन चूंकि मैंने अपना एक उसूल बना लिया कि जब भी मैं आपके सामने आऊंगी ब्ला 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 और ये बहुत सारी बातें करने से पहले आप लोगों को एक अच्छी बात ज़रूर बताऊँगी जो कि मैंने सीखी होगी, जो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। बहुत सारी चीज़ों का इंसान को नहीं पता होता, जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था और मैं हर रोज़ सीखती हूँ। तो एक चीज़ मैंने सीखी है कि ये मुझे स्कार्फ किसी ने कुछ दिनों पहले गिफ्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि ये बीबी सकीना की न्याज है। मैंने उनको थैंक यू बोला तो उन्होंने बोला कि इसका थैंक यू नहीं बोलते, ये आप अपने पास रखें और जब भी आप समझें कि आप किसी मुश्किल में हैं, किसी तकलीफ़ में हैं, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो, तो आप इसके साथ अपनी अकीदत का और हज़रत बीबी सकीना के साथ अपनी अकीदत का इजहार कर सकते हैं। अब ईमान जो है आपका वही सब कुछ है। मैं जब से ये स्कार्फ है मेरे पास, मेरे दिमाग काफ़ी खुला है बहुत सारी चीज़ों में। बहुत सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लगा है कि जो मेरी बंद थी आँखें वो खुल गई हैं। मैंने बहुत सारी जो सच थे वो मेरे सामने खुलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अकीदत की बात होती है, आपके ईमान की बात होती है, तो मैं इससे बड़ा लगाव फील करती हूँ। तो आपकी लाइफ में भी अगर आपको कोई इस तरह से कोई गिफ्ट दे तो वो ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, जब ऐसी बातें करते हैं लोग आपको जज करते हैं, वो कहते हैं जी मीडिया में भी काम हो रहा है, ये सब कुछ भी हो रहा है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि इसके ऊपर मैंने किसी दिन डिटेल में शो करना है, आज नहीं, क्योंकि आज मैंने कोई और बात करनी है, कि मज़हबी होने में रूहानी होने में डिफरेंस होता है, स्पिरिचुअल होने में और रिलीजियस होने में डिफरेंस होता है। इसमें क्या डिफरेंस होता है ये मैं आप डिटेल में इस पर शो करूँगी, लेकिन आज नहीं। आज मैंने बात करनी है अयाज सादिक साहब पे, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पे। अरसा दराज से आप लोग बयानात दे रहे हैं के बाद एक, एक के बाद एक हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि ठीक है, आप लोगों के साथ कुछ हुई चीज़ें हैं उसकी वजह से आप लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। आप लोगों ने कहा इदारों को सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, हुकूमतें नहीं बनानी चाहिए, हुकूमतें नहीं गिरानी चाहिए। हमने आपका साथ दिया, हमने आप लोगों के लिए आवाज़ उठाई, हमने आपकी आवाज़ पर लबैक कहा, लेकिन अब हद हो गई है अयाज सादिक साहब, हद हो गई है। हमारी रगों में, हम पाकिस्तानी हैं, शहीदों का खून दौड़ रहा है, हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, पाकिस्तान बचाएंगे भी हम। आप जैसे अगर दो चार लोग आ गए ना इस तरह की बातें करने वाले कि टांगें कांप रही थीं और इंडिया के हमले का डर था, आपको लगता है हमें पाकिस्तान में किसी को इंडिया के हमले का डर हो भी सकता है? डर है भी, हमें इंडिया से डर लगता है? आपको वाकई लगता है अयाज सादिक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को तो छोड़ दें, कोई एक बंदा आपको ऐसा लगता है किसी गाँव में, किसी देहात में, किसी शहर में कि हमें इंडिया से डर लगेगा? अभिनंदन को हमने इस दिन भेजा था, अभिनंदन को हमने पार दिखाई थी, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी कि हम बदला भी ले सकते हैं, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम इसको कुछ अरसा अपने पास रख के चाय भी पिला सकते हैं, खाना भी खिला सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत क्या है? हमने उसको वापस भेजा जज्बा खैर सगाली के लिए। तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी, हमारी पार थी, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश ना करें। हमने हर चीज़ में आपका साथ दिया, लेकिन अब आप बस कर दें। हाँ, आप हमारे इदारों पे तनकीद करते करते आप हमारे मुल्क की तरफ आ गए, आप हमारे जज्बों को ललकारना शुरू हो गए कि इस कौम का तो शायद कोई मसला था। फिर इंडिया में जिस तरह से इसको इसके ऊपर न्यूज़ बनाई गई हैं, जिस तरह से खेला जा रहा है, आप लोगों को कुछ एहसास है? आप लोग क्या कर रहे हैं? लीडर की मोहब्बत में मुल्क की मोहब्बत पीछे रह गई है, शर्म आनी चाहिए। मैं आपको समझती थी कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, मैंने आपकी हलके को कवर किया था, आपकी पूरी कैंपेन कवर की थी आप लोगों के साथ, मुझे लगता था कि आप एक सोफिस्टिकेटेड, एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। खैर, ये भी गुमान मेरा काफ़ी बार ही दूर हुआ है। ये जो एजुकेटेड फैमिलीज़ और ये सो कॉल्ड एजुकेटेड फैमिलीज़ जो हैं और एजुकेटेड लोग जो हैं, इनके अंदर कितनी कितनी जहालत है, इसके ऊपर भी मैंने शो करना है। लेकिन फ़िलहाल ये PMLN की लीडरशिप से गुजारिश है, अपनी जो लड़ाइयाँ हैं वो अपने तक रखें। ठीक है, इदारों को सियासत में नहीं आना चाहिए, हुकूमतें नहीं बनानी चाहिए, सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, सेलेक्टर नहीं बनना चाहिए, बस यहाँ तक ठीक है। इससे आगे अगर आप लोगों ने एक भी लफ्ज़ हमारे इदारों के बारे में, हमारे जज्बे के बारे में, और जिससे हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की साख को, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा, आप लोगों का तो वोट बैंक ही सारा पंजाब से है। याद रखिएगा, हम आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। ये गीदड़ बबकियाँ जो भी अपनी सियासत, अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ अपनी ज़ात तक महदूद रखें, इमरान खान को जो कहना है, जो किसको कहना है कहें, लेकिन हमारे मुल्क की तरफ मत आइएगा। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, हम इसको बचाना भी जानते हैं, और आप जैसे अगर कुछ हमें गद्दार लगे कि जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हुए, तो आप लोगों से हम आहनी हाथों से निपटेंगे। बस सियासत को सियासत तक महदूद रखें, ये नेशनल इंटरेस्ट तक मत आएँ, वरना हम आपका साथ नहीं देंगे। मैं सहाफ़ी हूँ, मैं भी आपका साथ नहीं दूंगी। अगर आपको गिरफ़्तार किया जाता है इस बात पे, मैं आपका साथ नहीं दूंगी। बहुत शुक्रिया।